दोस्तों, स्टार किचन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मटर पनीर की रेसिपी। ये रेसिपी बनाना बहुत सिंपल है और ये बहुत स्वादिष्ट होती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। इसे बनाने के लिए हमने लिया है 200 ग्राम पनीर, जिसे मैंने ऐसे काट लिया है। आप अपने हिसाब से इसके पीस काट सकते हैं। मटर लिया हुआ है मैंने और बारीक कटा हुआ धनिया। ये प्याज लिया है जिसे मैंने ऐसे काट लिया है। ये लहसुन और लाल मिर्च और ये इलायची। ये अदरक लिया हुआ है। 8 से 9 काजू और टमाटर। ये धनिया पाउडर लिया है। ये गरम मसाला लिया हुआ हमने। नमक ले लेंगे स्वाद के अनुसार। रेड चिली पाउडर। ये जीरा पाउडर लिया हुआ है। ये हल्दी पाउडर लिया है और जीरा और धनिया साबुत लिया हुआ है। ये मलाई वाला दूध लिया है मैंने, ये ऑप्शनल है। बनाने के लिए 2 चम्मच तेल लिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं। पैन में तेल जो रखा हुआ था वो गर्म होने पर हम इसमें डालेंगे लहसुन और ये प्याज को भी डाल लेंगे। इसे फ्राई कर लेंगे। दो तीन मिनट के लिए इसे फ्राई करें। ये खड़े मसाले डाल लें, मिर्च डाल लेंगे, इलायची डाल लेंगे। ये प्याज हमारा फ्राई हो चुका है, हल्का ब्राउन हो चुका है, देखिए। अब ये टमाटर भी इसमें ऐड कर लेंगे। टमाटर को भी 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे। इन सभी चीज़ों का हमें एक पेस्ट बनाना है। ये टमाटर भी हमारा पक चुका है। ये काजू डाल लेंगे थोड़ा सा इसमें। इसे भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, इस मिक्सर को इस मिक्सर जार में निकाल के इसका पेस्ट बनाना है। ठंडा होने पर ही इसका पेस्ट बनाएं। ये हमने मिक्सर जार में डाल दिया है। ये हमारा पेस्ट तैयार है। इसी पैन में हमने तेल डाला हुआ है। ये तेल गर्म हो गया है। इसमें हम जीरा और धनिया डाल लेंगे और इसे भी कुछ मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम किया हुआ है अभी। अब ये पेस्ट डाल लेंगे जो हमने बनाया था। इसे भी पका लेंगे। इसे ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि ये पहले से ही पके हुए हैं। थोड़ा सा पका लेंगे इसे और गैस का फ्लेम थोड़ा मीडियम ही रखें इसे पकाते वक्त। ये पक चुका है। अब हम इसमें बाकी के सारे मसाले डाल लेते हैं। रेड चिली पाउडर, ये हल्दी डाल लेंगे, ये धनिया पाउडर डाल लेते हैं, और ये जीरा पाउडर भी डाल लेंगे। मिला लेंगे इसे। इसे तब तक मिलाते रहेंगे जब तक कि मसाले ढंग से पक ना जाएं। दोस्तों, मैं अपनी रेसिपी में कम तेल का यूज़ करती हूँ, आप अपने हिसाब से तेल का यूज़ कर सकते हैं। मिला लें इसे। ये थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसे चलाते हुए पका लेंगे ताकि मसाले ढंग से पक जाएं।
मसाले हमारे पक जाएं तो इसमें हम डालेंगे ये मटर। मैंने ताज़ा मटर ली हुई है, इसे मिला लेंगे मसालों में। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे ताकि मटर हमारी पक जाए। अब हम 3 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पे 2-3 मिनट के लिए पकाने के लिए रख देंगे ताकि मटर हमारी पक जाए। 2-3 मिनट हो चुके हैं, हमारी मटर पक चुकी है। मिला लें इसे फिर से। अब हम इसमें डालेंगे नमक, नमक आप स्वाद के अनुसार लें। मिला लें इसे। ये मलाई वाला दूध डाल लेंगे, ये जो ऑप्शनल था, आप चाहें तो इसे डालें वरना ना डालें। मिला लें इसे ढंग से। ध्यान रखें गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें इस वक्त। अब हम इसमें डालेंगे पनीर के पीस। मिला लेंगे इसको। मिलाने के बाद हम इसमें डालेंगे ये गरम मसाला डाल देंगे। मिला लें इसको। अब हम क्या करेंगे, इसे 2 मिनट के लिए फिर से पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे। 2 मिनट हो चुके हैं, ये ऑलमोस्ट हमारा पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हरी धनिया की पत्ती और थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मिला लें इसे। ये बन चुकी है, बड़ी टेस्टी लग रही है ये। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी ये रेसिपी बनके तैयार है, बहुत स्वादिष्ट बनी हुई है। अगर आपको ये पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।